नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपको मेरा यूट्यूब चैनल संगीता मेहता ब्लॉग पे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह सुबह 10 बजे से कर रही हूँ और सुबह का मेरा सारा काम हो चुका है, नहाना धोना, पूजा पाठ, यानी सुबह के सारे काम मैंने कर लिए हैं और अभी थोड़ा टाइम हुआ है मुझे, तो ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। उसके बाद ना मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है और आसमान एकदम साफ और एकदम धुला धुला लगता है, बहुत प्यारा लगता है। चटकती धूप खिल गई बारिश के बाद, तो और भी प्यारा लग रहा है व्यू। यहाँ पे बन रहे हैं पराठे, यम्मी यम्मी, मेरे लिए भी पराठे। किस चीज के पराठे हैं ये? चीला है, ओट्स का। ओट्स का चीला बना दिए। क्या क्या मिलाया है इसमें? ओट्स, बेसन और चावल का आटा। चावल का आटा, बेसन और ओट्स, प्याज, टमाटर और मसाले। तो इसने बना दिए हैं और बच्चों ने और लोगों ने खा लिया है, बस एक मैं और ये बच्ची बचे हैं। और मसाला कितना बचा है अभी? ये भी पूरा एंड होने वाला है। चलो, कभी कभी मेरी बेटी को भी अकल आ जाती है और मेरे लिए नाश्ता बना देती है। मुझे भूख भी काफ़ी लगी थी, पूरे 10 बज गए हैं, पूजा पाठ हो गई है, दूध वाला है, दूध भी खुला ही रखा है, ढक्कन तो लगा देती फिर इसमें। अच्छा, और क्या बनाया है? चटनी, मेयोनीज। अच्छा, मेयोनीज और टमाटर सॉस की चटनी बनाई हुई है इसने। खाने की काफ़ी शौकीन है ये लड़की मेरी। ये लड़की पराठे खुद सेक रही है उनको अच्छे। देखो, ओट्स के पराठे काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं ये, एकदम मतलब सॉफ्ट और पतले हो जाते हैं ये, खाने में काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं ये और तेल का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं इन चीज़ों में। ये देखें, काफ़ी सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुलने वाले पराठे होते हैं ये। कभी बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी होते हैं। और मैं तो खाती हूँ यार गर्मा गर्म, भूख बहुत लग गई है, मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ ज़्यादा, तो खा लेते हैं हम यम्मी यम्मी चटनी के साथ यम्मी यम्मी ओट्स के पराठे। थोड़ा बर्तन धो लेते हैं, इतने सारे बर्तन हुए नाश्ते के, क्या बताऊं, दिन के कितने टाइम हो जाते हैं ऐसे बर्तन में। दिन भर बर्तन होते रहेंगे। सारे बर्तन हो बैठे, थोड़ा बहुत तो धूप में लगाया है अभी, है और अभी और लगाना, छानने भी पड़ेंगे। बंदर नहीं आएंगे तो तू क्या करते यहाँ पर से? हाँ लाली बस आ जाती है, रोज आ जाती है लाली। हैं, क्या कर रही है लाली? बुबू मारेंगे तेरे को फिर, क्या कर रही है तू? पूरे दिन के खाने में भिंडी की सब्जी, दाल और चावल बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड घर में खाना खाने दिन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो साइड पे काम करते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं, तो दिन में खाना खाने नहीं आते हैं। पर आज सुबह से मेरे ससुर जी ने उनकी बात लगा रखी है कि तू घर में खाना नहीं खाता है, और मुझे भी बहुत डांट पड़ी कि तू टाइम से खाना नहीं बनाती है। क्या कहूँ यार, छी पंगे ही पंगे होते हैं घर में भी, होते रहते हैं हमारे घर में, तो क्या कर सकते हैं, फिर जीना तो है। हमारे लिए तो बहुत समस्या है यार, हम महिलाओं के लिए बहुत समस्या है। खाना ना बनाओ तो समस्या, खाना बनाओ तो समस्या, खाना अगर वेस्ट हो जाता है तो समस्या, वहाँ पर भी टॉर्चर करते हैं कि इतना खाना बर्बाद करते हो, तुमको क्या पता इतनी महंगाई में कहाँ से आता है, और जब कोई खाना खाने नहीं आता है तो बर्बाद तो हो ही जाता है ना। और दुकान भी खोल रखी है, दुकान भी संभालना होता है, उसके साथ साथ घर भी संभालना होता है, और सास ससुर के टॉर्चर भी संभालने होते हैं। तंग आ गया ज़िंदगी से, मतलब
सुकून नहीं है ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कलयुग का असर हो, अब पता नहीं क्या है, पर बिल्कुल सुकून नहीं है ज़िंदगी में। हम आराम से रहना भी चाहते हैं तो हमें कोई रहना ही नहीं देते। ये किच 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 से तंग आ गए हैं और सब कुछ तो ठीक। आज के खाने में ना मैंने बनाया है ब्राउन राइस। देखिए ये हमारे पहाड़ों में होने वाला ब्राउन राइस है और ये एक अलग प्रजाति का राइस होता है। इसमें जो है हर दाने अलग हो जाते हैं, जबकि मैंने इसमें पानी ज़्यादा लगाया था, मुझे अंदाज़ा नहीं आया क्योंकि हम भी पहली बार ये राइस ख़रीद के लाए हैं और खुशबू काफ़ी अच्छी आती है, एकदम बासमती की जैसी खुशबू आ रही है इस चावल से। और इसका कलर ना एकदम ब्राउन है। और साथ में बनाया है मसूर की दाल, ये भी पहाड़ी मसूर है। और साथ में बनाया है पहाड़ी भिंडी की सब्ज़ी, यानी हम लोग खाते हैं आज ब्राउन राइस के साथ। ये देखते हैं खाने में ये कैसा होता है। ब्राउन राइस को मैंने टेस्ट करके देखा है तो इसमें ना इसका अपना कोई स्वाद नहीं है, मतलब भात जैसा तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। ये जैसे हमने बचपन में झुंझुरा का जौला वाला खाया था, जो झुंझुरा होता है ना पहाड़ों में होता है अक्सर, तो ये उसका जैसा ही हो रहा है और खाने में थोड़ा बकबक हो रहा है क्योंकि हम लोग कुकर से अगर सीटी हटा दे रहे तो उसके बाद ये काफ़ी टाइट हो जा रहा है। देखें ये काफ़ी टाइट हो जा रहा है, मतलब ये झुंझुरे का ही एक वैरायटी है लेकिन ये खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी। तो मैं नहीं कह सकती, मैंने भी पहली बार खाया है चावल, मैं थोड़ा दाल के साथ टेस्ट कर लेती हूँ। दाल के साथ तब भी ठीक लग रहा है लेकिन चावल वाले जैसा इसका नाम है उस टाइप का इसमें कोई टेस्ट नहीं है चावल वाला। और इसको हम क्या अलग वैरायटी होती है तो हम लोग लाली तू यहाँ पर भी आ गई। और अभी शाम के 4 बजे हैं और अभी मेरी जिम्मेदारी होती है, कहाँ आ रही भाग भाग के कहाँ आ रही है। अभी मेरी शाम के जिम्मेदारी मेरी होती है दुकान में बैठने की और दुकान में बैठी हूँ और साथ में यहीं पर ही मैंने धूप में सुखाए हुए गेहूँ भी रखे हुए हैं, तो साथ साथ में मैं दुकान भी देखूँगी और गेहूँ भी छान लेती हूँ क्योंकि ये सूख चुके हैं और दुकान पर भी अभी कोई नहीं आया है, तो तब तक मेरे गेहूँ भी साफ़ हो जाएंगे। छन्नी से गेहूँ साफ़ कर लेती हूँ और यहीं पर से दुकान भी नज़र भी रखूँगी क्योंकि आप थोड़ा देर बेटे को भी आराम देना चाहिए, बेटा अंदर उनका तो आराम कर ले थोड़ा देर। और अब मुझे टाइम है, शाम का टाइम तो वैसे भी रोज़ मैं ही बैठती हूँ, तो थोड़ी गेहूँ साफ कर लेती हूँ। गेहूँ साफ है वैसे, बस थोड़ा सा उनमें पत्थर वत्थर या वो ढूंढने होते हैं, सूख चुके हैं। आज धूप काफ़ी अच्छी आई थी तो गेहूँ अच्छे से सूख चुके हैं ये, क्योंकि एक दो दिन से धूप थी नहीं। ये कर दिए गेहूँ इतने थे ये तो साफ हो गए, करीब करीब 2 घंटे पूरे लगे साफ करने में इनको। शाम के टाइम सासू माँ भी दुकान में आई हुई थी और आके कुछ ना कुछ बोलते रहती है सासू माँ। ये मेरी सासू माँ है, देखो एक डंडा भी लेके कुट्टू को भगा रही है। कल 4 बजे के बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था और दूसरी सुबह मैं आज ब्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ और आपके लिए एक प्यारा सा नया ब्लॉग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय।